Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Thank you.
भजभुरे मन श्री नंदन नंदन
साल में एक ही बार है जब भोग भगवान को खुला लगता है और हर समय जब भोग लगता है हम देखते हैं उसको पर्दा लगा देते हैं, मगर आज एक दिन है जब गोवर्धन जी का जो भोग लगता है वो खुला खुला लगता है, सभी भोग का दर्शन कर सकते हैं। भोग का दर्शन करना यानी कि ठाकुर जी का दर्शन करना एक बराबर होगा,
तो मैं आग्रह करूंगा कि पंडित आनंद शर्मा जी आकर सबको वेलकम करें सनातन किड्समैन की तरफ से। जी तो हमारे मध्य में आज गुरुलंबा से आए हुए बाकी महाराज जी आए हुए, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर महाराज जी को वेलकम करें पुष्प की माला से। हमारे गुरुदेव का एक मठ है बुरीलंबा है, जो न्यू साउथ वेल्स के बोर्डा में पड़ते हैं, महाराष्ट्र वहां पर रिसाइड करते हैं, वो मठ का देखभाल करते हैं। हरे कृष्ण। So there will be English translation in the back. Anyone who wants to follow the Hari Katha, the English translation will be in the back. So I'm going to speak Hindi. Om Ajnana Timirandasya Jnananjan Shalakaya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे चंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रमदमदनलीलाकन्दरेकन्दरते रचयति नवयुनोदन्दमस्मि नमः। इति केल करनाथ लग्न कस्य द्योर मे निज निकट निवासम देहि गोवर्धनतम। निज निकट निवासम देहि गोवर्धनतम। महाबोधे स्थिरे कनक रुचिर नील शिखरे वसन प्रसदांत सहज बलभद्रेन वलीना। सुभद्रा मध्यस्त सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कालिंदी तन तटया सुरदमंद वृंदावनम विहाय लवनामुदम पुलिन पुष्प वाटिंगत दित अरुणपट सुपीत वास हरि तिरोहित निज छवि श्री गौरंग मे गतिम। राधा चिंतनिवेशिनम यस्य कांति विलोपिता श्रीकृष्ण चरणम वंदे राधालिंगितम विक्रहम। भक्त्या विहीनाय अपराध लक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी तम शरणम प्रपन्ना वृंदे नमस्ते शरणारविंदम। यम प्रवजंतमनुपेत वेत कृत्यम द्वैपानुविरह कातुराजवाह पुत्रेति तन्मेतया तर्वोपिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। एक बार सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो श्री राधा रानी की। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य पुरुषोत्तम मास की इस शुभ बेला में हम लोग श्रीमद् भागवत जी का आश्रय ले रखे हैं और भक्त भागवत श्री सुखदेव गोस्वामी जी एवं श्री व्यास जी परीक्षित महाराज के गुरुदेव की अनुकंपा से हम लोग श्रीमद् भागवत जी के बड़े सुन रहे हैं। अपने आप में अनोखे अनूठे ऐसी कथा को सुनकर हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं
और ये तो अनुभूति की बात है। हर व्यक्ति की अनुभूति अपने पात्र के अनुसार होती है, तो भी सभी का ही मंगल है, सभी का मंगल। श्रीमद् भागवत जी की कथा, प्रमाण अम्लम यद वैष्णव नाम प्रियम। श्रीमद् भागवत जी प्रमाण अम्लम, एक अमल प्रमाण है और सभी वैष्णव का सबसे प्रिय ग्रंथ है, इसलिए भागवत जी को अमल पुराण कहा है। इसका मतलब पुराणों में क्या मल है? बोलते हैं हाँ, मल मतलब समझते हैं, कंटेमिनेशन। व्हाट काइंड ऑफ कंटेमिनेशन? ये करो तो ये मिल जाएगा, वो करो तो वो मिल जाएगा, भुक्ति मुक्ति ये सब। लेकिन भागवत जी में इस प्रकार का कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया। श्रीमद् भागवत जी एकमात्र पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम को ही लक्ष्य करती है। श्रीमद् भागवत जी एकमात्र कृष्ण भक्ति और भगवान का प्रेम प्राप्त करने की ही प्रेरणा प्रदान करती है। इसलिए नाना प्रकार की लीलाओं के द्वारा श्री कृष्ण ब्रज में ब्रज जन पालन, एक और तो सारे असुरों का वध कर रहे हैं और दूसरी ओर अपनी लीला विनोद के द्वारा ब्रजवासियों का प्रेम से लालन पालन कर रहे हैं, प्रेम का लालन पालन। माखन चोरी लीला, मृद भक्षण लीला, मिट्टी खाने की लीला, ये सारी लीलाओं का किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे आयु बढ़ी, 7 वर्ष के हो गए, आज हमारी कथा श्री गिरिराज गोवर्धन जी की कथा, देखो हलचल मत करो इधर, अभी जो आएगा बाद में भोग लगेगा, है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनो। मैं बहुत सिद्धांत के द्वारा, लीला और सिद्धांत के द्वारा गिरिराज जी की कथा सुनाऊंगा, इसलिए सब लोग पे अटेंशन, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि टीवी में ये सब कथा सुनने को नहीं मिलेगी आपको, और स्वयं पढ़ने जाओगे तो बहुत सारे ग्रंथों को अन्वेषण करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और मैं सारे ग्रंथों को एक साथ सारे आचार्यों के विचारों को सुंदर रूप से प्लेट में सजाकर ठाकुर जी को भोग लगा रहा हूं, खुला खुला। आज प्रकाश प्रभु ने कहा ना, गिरिराज जी का जो भोग होता है वो खुला होता है, और रोज तो पर्दा बन के होता है। भागवत जी के विचार, शास्त्र के विचार, पर्दे के अंदर भोग लग रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके भक्त आए, उन्होंने पर्दा ही खोल दिया, बोलते खुला खुला भोग लगेगा, मतलब खुला खुला इन विचारों को प्रकाशित किया जाएगा और सुना जाएगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुनो। और वो इसलिए कह रहा हूं कि एक लाइन भी बीच में मिस हो जाएगी, हाँ, तो पूरा लिंक खराब हो जाएगा। श्री कृष्ण की 3 अवस्थाएं हैं, बाल्य, पौगंड और किशोर लीला। बाल्य लीला कल हम लोगों ने सुनी, माखन चोरी करते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, पूतना तिरनाव्रत ऐसे राक्षसों को असुरों का वध करते हैं, पौगंड लीला करते हैं, गाय चराने ले जाते हैं। इतने बड़े भगवान को और कोई काम नहीं है, गाय चराना ही बचा है इनके लिए। बोलते हाँ, गाय चराने का, गायों को वन में ले जाने का तात्पर्य उद्देश्य क्या है जानते हैं? श्री कृष्ण की जितनी भी लीला होती हैं, वो लीला पुरुषोत्तम की लीला, उनकी समस्त लीला, उनकी आधार शक्ति, हलादनी शक्ति श्री राधा जी पर ही निर्धारित होती है। राधा जी के सुख के लिए, राधा जी की प्रसन्नता के लिए ही वे सब लीला होती है। इसलिए गोचारण किस लिए करते हैं? सारा दिन यदि घर में रहेंगे तो राधा जी से मिलन कैसे होगा? तो गोचारण, गैया एक बहाना है
जिससे कि राधा जी से मिलना का, और बड़ा सुंदर श्रृंगार करके एक दूल्हा वेश धारण करके श्री कृष्ण जब श्रृंगार करके निकलते हैं तो वो श्रृंगार को तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है दूल्हे की तरह। दूल्हा मतलब जिस दिन ब्याह होता है ना तो पूरा सज धज कर निकलता है, दूल्हा भी और दुल्हन भी। और श्री कृष्ण का जो श्रृंगार है वो ऐसा नित्य श्रृंगार, नित्य ही दूल्हा स्वरूप है। ये नहीं कि वर्ष में एक बार किसी एक लीला के लिए, रास लीला के लिए, नहीं, प्रत्येक दिन ही संपूर्ण श्रृंगार करके जो निकलते हैं। और उस श्रृंगार का वर्णन श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया। भागवत जी में तीन स्थान पर श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया है। यहां तो ब्रह्मा जी ने किया, नो मेड्य ते अवरपुषु तड़िदंबराया गुंजवता परिपिच्छ सन्मुखाया वने सज्र कवलर वेत्र विशान वेनु लक्ष्मी श्री मृदुपदे पशु पंकजाया। यहां तो ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण का रूप का वर्णन किया। आहा कैसा सुंदर रूप है, जैसे आकाश में काले काले मेघ हैं ऐसा उनका श्री अंग है, और उन मेघ में जैसे बिजली चौंकती है ऐसे उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है। और कवलर वेत्र विशान वेनु, कभी तो वेनु धारण करें, कभी गैया को बुलाने के लिए वो बगुला जो होता है उसको धारण करें। ये ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन भी किया और उनको साथ साथ प्रणाम भी किया। नो मेड्यते मतलब मैं आपको प्रणाम करता हूं। और दूसरा वर्णन किया है किसने, ब्राह्मण पत्नियों ने, श्यामम हिरण्य परदिन वरवाल वरहा धातु प्रवाल नटवेशम अनुवृतां से। लगभग वही बात, आपका रूप बड़ा सांवला स्वरूप है, आपने पीताम्बर धारण कर रखा है ये सब। लेकिन तीसरा एक जो वर्णन हुआ है वो वृंदावन की ब्रज की गोपियों का हुआ है। ये वाला जो वर्णन है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वरहा पीड़म नटवर वप्यो कर्ण्यो कर्णिकारम विद्रवासम कनक कपीशम वजन तीस चमालम रंधया वेनुधर सुधया पूर्ण गोप वृंदे वृंद रमनम सपद रमनम प्राविशिता गीत कीर्त। बड़ा सुंदर रूप धारण करके गैयों को लेकर जाते हैं। लेकिन एक विशेष बात, इसलिए सब कह रहा था, कान में मैया ने छिद्र कर दिया था, कान में कुंडल धारण करते हैं, कभी मकराकृत कुंडल, मकर के समान कुंडल को, अलग अलग डिजाइन के कुंडल को धारण करते हैं, मानो वो कुंडल नहीं, राधा जी के गुणों को श्रवण करने के लिए वो कुंडल विराजमान है, अर्थात राधा जी की महिमा को सुनने के लिए उत्साहित रहते हैं, यही उनके कुंडल का अर्थ है। कर्ण्यो कर्णिकारम, जब इयर रिंग्स पहनते हो तो दो पहनते हो ना, कृष्ण एक पहनते हैं, कभी इस कान में कभी इस कान में, एक क्यों पहनते हैं, गैयों को लेकर चलते हैं और अपने बड़े भाई बलराम जी को आगे रखते हैं। बलराम जी और कृष्ण एक साथ गैयों को लेकर चलें तो कृष्ण कहे दाऊ भैया आप बड़े हैं ना आप आगे चलिए, मैं तो छोटा हूं और छोटा तो सब समय पीछे पीछे चलता है, आप तो अग्रज हैं। तो दाऊ जी कहते हैं नहीं कन्हैया हम एक साथ चलेंगे। नहीं नहीं दाऊ भैया आप बड़े हैं आप आगे चलिए। और दाऊ भैया भी अच्छे से समझते हैं क्यों ऐसा कह रहा है। उनको भी पता है, अच्छा ठीक है मैं आगे चलता हूं। आगे क्यों चलाया बलराम जी को और पीछे स्वयं चलते हैं क्यों, क्योंकि वृंदावन की गोपियां जो चारों ओर से अपनी दृष्टि लगाए बैठी हैं कृष्ण के रूप को देखने के लिए ललायत हुई हैं, उनको ऐसे ऐसे करके देखना है, और साथ में बड़े भैया हो तो कैसे देखेंगे, इससे बलराम जी को आगे रखते। और एक कान में एक पुष्प होता है कर्णिका, उसको ऐसे धारण करते हैं एक कान में, फूलों का टॉप्स, वो क्यों, अगर यहां धारण करें तो इसका अर्थ है आज इस डायरेक्शन में मिलेंगे, इंडिकेशन है।
यदि इस कान में धारण करें तो इस डायरेक्शन में मिलेंगे। इसलिए बड़ी चतुराई से अपने प्रेम को उजागर करते हैं, है ना। यही है ब्रज का प्रेम, जहां पर मिलना बड़ा दुष्कर हो रहा है। मेरी हिंदी समझ आ रही है? मिलना इतना आसान नहीं है, यही पर क्या अभाव है। जहां पर मिलने में बड़ी कठिनाई है, सहज नहीं है, असहज भाव है, है ना। तो बड़ी कठिनाई से मिलना होता है। कर्ण्यो कर्णिकारम, ऐसे सुंदर कान में कुंडल और कभी मोर पंख धारण करते हैं। यशोदा मैया पूरा श्रृंगार करके कृष्ण को गायों के साथ भेजती है। पूरा श्रृंगार मतलब सिर पर सुंदर मुकुट, कान में कुंडल, गले में माला, कमर में कंकनी, चरणों में नूपुर, हाथ में भी सुंदर और बाजू में भी पूरा श्रृंगार करती है। क्यों? और साथ साथ सिर पर मोर मुकुट धारण करा देती है। क्यों? क्या श्रृंगार करके, अर्थात वो सारे अलंकार पहनाकर कृष्ण के रूप को उनको सुंदर बनाया जाता है, इसलिए श्रृंगार किया जाता है? बोलते ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। आप लोग श्रृंगार करते हो अपनी सजावट के लिए, लेकिन भगवान को जब श्रृंगार किया जाता है वो उनकी सजावट के लिए नहीं होता, सुंदरता के लिए नहीं होता। उनका नाम ही श्याम सुंदर है, वो स्वयं ही इतने सुंदर है। तो यशोदा मैया फिर इतने अलंकार क्यों धारण कराती है? बोलते हैं भूषणम भूषणम अंगनम यन मर्त लीला उपायकम सयोग माया बलम दृश्यत गृहात विस्मनम स्वस्थ च सुभगर्दे परम पदम भूषणम भूषणम अंगनम। श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि वो अलंकार जब उनके अंग में लगते हैं उन अलंकार की शोभा बढ़ जाती है, वो अलंकार अलंकृत हो जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं कृष्ण के श्री अंग से स्पर्श करने के पश्चात। तो मैया अलंकार धारण क्यों कराती हैं? उन आभूषणों को सुंदर बनाने के लिए, नहीं तो पड़े हुए ऐसे बक्सा में, उनको कृष्ण के अंग में धारण कराकर उन अलंकारों की शोभा बढ़ा देती हैं, ना कि कृष्ण की शोभा बढ़ाती हैं। दूसरी बात, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि चरणों से लेकर मस्तक तक यदि जो श्री कृष्ण का दर्शन कर ले तो वो रह नहीं पाएगा। रह नहीं पाएगा मतलब देखकर ही मूर्छित होकर गिर पड़ेगा, बेहोश हो जाएगा। इसलिए यशोदा मैया चारों तरफ आभूषण धारण कराती हैं, किस लिए? कोई भी श्री कृष्ण को पूरा देख ना पाए, उसमें रेजिस्टेंट लग जाता है, बीच में पूरा अंग का दर्शन नहीं होता, उसमें कुछ बाधा आ जाती है, इसलिए कोई उनको देख पाएगा, नहीं तो कोई देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो मूर्छित होकर गिर पड़ेगा। और सिर पे लगा दिया और मोर मुकुट, वो किस लिए? बोलते हैं वीआईपी की गाड़ी के ऊपर रेड लाइट होती है ना कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ, वीआईपी आ रहा है। ऐसे ही वो मोर पंख वराहा पीड़म धारण करते हैं कि देख लो, दूर से देख लो, ये मोर पंख झलमल झलमल करता हुआ चल रहा है, बहुत विशेष कोई एक सुंदर, सुंदर मतलब सुंदरता की पराकाष्ठा, सुंदर का मतलब सौंदर्य ने जिनका आश्रय ले रखा है, सुंदरता ने जिन श्री कृष्ण का भगवान का आश्रय ले रखा है, इसलिए वो सुंदरता कहलाती है। समझ आ रही बात? भगवान सुंदर नहीं, सुंदरता भगवान के साथ लगकर सुंदर बन जाती है। इसलिए मोर पंख धारण करके और श्री कृष्ण जब पौगंड लीला और उसमें भी जब किशोर अवस्था में पहुंचते हैं, ये किशोर अवस्था समझते हैं क्या होते हैं? टीनेज। और शास्त्र में बताया किशोर अवस्था का एक गुण बताया, टीनेजर का एक गुण है क्या? जो कभी किसी की बात नहीं सुनते सब निकले हैं इस एज में,
तो किशोर अवस्था का मतलब जहां पर किसी की परवाह नहीं है, स्वच्छंद, स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वराट। यही तो भागवत जी में प्रथम श्लोक में कहा, जन्मादस्य यतः अन्वयात् इतरे चार्थिषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान स्वतंत्र स्वतंत्र हैं, स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, किसी की परवाह नहीं है। और परवाह नहीं है मतलब भय नहीं है। किसका? वृंदावन की ब्रज की गोपियों के साथ जो मिलन है वो भय वाली बात है। यहां पर उनको एक ही भय है, भगवान को एक ही भय है। किससे? बस राधा रानी के मान से। ये अगर मान कर गई, ये तो ठाकुर जी ही है भैया जो संभाल सकते हैं इनको। एक बार राधा जी जो मान कर गई, बस उनको मनाने में तो पसीने छूट जाए। मान समझते हैं, रूठ जाना। और वो मान किस कितने प्रकार का है? बोलते हैं हेतु अहेतु यूनम मान उच्चते, अहिर एवं स्वभाव, अहिर एवं स्वभाव कुटिल भवेत, हेतु अहेतु चा यूनम मान उच्चते। कभी कारण से कभी बिना कारण के वे मान करते हैं। इसलिए ये सारी बात जो मैं बता रहा हूं, जैसे इंट्रोडक्शन, ये भूमिका बनाई किस बात को बताने के लिए कि गोवर्धन धारण लीला क्यों कही गई, क्या कारण है गोवर्धन धारण लीला का। क्योंकि 7 वर्ष की आयु में प्रवेश किए, ये लीला। और इसके साथ साथ एक है कालिया दमन, कालिया नाग के ऊपर नृत्य करने की लीला। ये दोनों लीला रास लीला को पुष्ट करने के लिए है, नरिश करने के लिए। क्योंकि जो हीरो होता है ना, वो अपनी थोड़ी ब्रेवरी दिखाता है। किसको अट्रैक्ट करने के लिए? हीरोइन को। और शास्त्र की भाषा में कहा जाए तो नायक और नायिका, जो नायक होता है हीरो, वो थोड़ा कुछ ऐसा करता है जिससे नायिका को अट्रैक्ट किया जाए। इसलिए नाम ही कृष्ण है जो आकर्षण करते हैं। 7 वर्ष की आयु हुई, अभी किशोर अवस्था ही नहीं, लेकिन गुरुदेव बतलाते थे क्योंकि राजकुमार है ना, साधारण लोगों की 7 वर्ष में किशोर अवस्था नहीं आती, लेकिन जो बड़े बड़े घर के होते हैं ना राजकुमार, बड़े बड़े धनी घर के, वो छोटी आयु में भी बड़े सियाने और बड़े बड़े लगने लग जाते हैं। उनका लालन पालन, खान पान इस प्रकार का होता है कि बहुत जल्दी उनकी किशोर अवस्था अपने आप ही दिखने लग जाती है। श्री कृष्ण का भी उसी प्रकार से, ब्रजराज श्री नंद बाबा के सुपुत्र हैं, राजकुमार हैं, तो भी बालक जब बढ़ता है, आयु बढ़ती है, तो हर बात को जानना चाहता है। श्री कृष्ण भी हर बात को जानना चाहते हैं। यशोदा मैया के निकट आए, सुबह सुबह प्रातः काल यशोदा मैया पकवान बना रही, और कृष्ण आकर कहने लगे, मैया क्या आज मेरा जन्मदिन आने वाला है? बोलते, क्यों पूछ रहा है, आप इतने पकवान क्यों बना रही हो? ए, हमको तंग मत करो, जाओ अपने बाबा से पूछो। एकदम ऐसे बोल दिया। और कन्हैया तो बाबा के दौड़े दौड़े बाबा के पास गए। ये किसी भी अवतार में ऐसे संभव नहीं हो पाया जो कृष्ण लीला में संभव हुआ है, जहां पर यशोदा मैया कृष्ण को कभी भगवान मानती नहीं, जहां पर नंद बाबा कृष्ण को कभी भगवान मानते नहीं। क्या मानते हैं? बस मेरा ही पुत्र है, मेरा ही लाला है, मैंने ही जन्म दिया है और मैंने ही लालन पालन किया है। शुद्ध वात्सल्य भाव, यहां पर कोई मिक्सचर नहीं है, कोई मिश्रण नहीं है, शुद्ध वात्सल्य है ना। तो कन्हैया नंद बाबा के पास आ गए। बाबा एक बात पूछूं? हां लाला, गोद में बिठा दिया। पूछो, क्या मेरा आज जन्मदिन है? तो क्यों पूछता है?
नहीं, देखता हूं मैया सुबह सुबह बहुत पकवान बना रही है और ब्रज में चारों और घरों से धुआं निकल रहा है, सारी सारी रात जगकर पकवान बनाए जा रहे हैं। कल भी ऐसा ही हुआ, कल सारी रात जगकर पकवान बनाए, सारी सारी रात जगकर पकवान बन रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि सब मुझको खिलाने के लिए, बाबा ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए पकवान नहीं बन रहे और तुम्हारा कोई जन्म नक्षत्र नहीं आ रहा, तो फिर ये सब किस लिए? नंद बाबा ने कहा तुम अभी बालक हो, तुम ये बात नहीं समझोगे, जाओ तुम खेलो। और कृष्ण कहने लगे बाबा अब हम बड़े हो गए, सियाने हो गए हैं, अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? आपको हमको बताना पड़ेगा ना। और ये अगर कोई रीति है, कोई परंपरा है, तो हम इस रीति परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। मैं भी आपका पुत्र ही तो हूं। हाँ हाँ, ये सुनकर बाबा की छाती फूल जाए, कन्या के सुंदर वचन सुनकर कि बालक जिम्मेदारियों को समझने लगा है, समझदार हो रहा है, सियाना हो रहा है, जिम्मेदारी को समझ रहा है। तो बाबा ने कहा अच्छा कन्या सुनो, हम हर वर्ष एक देवता की पूजा करते हैं, सुन रहा है ना कृष्ण? बाबा ऐसा कौन सा देवता जिसकी पूजा आप करें? मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं, ऐसा कौन सा देवता जिसकी वंदना आप करें? सारे ब्रज के वासी आपकी पूजन करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आप ब्रज के राजा हैं, ऐसा कौन सा देवता पैदा हो गया जिसकी पूजा आप करें? बाबा ने कहा हम देवताओं के राजा जो इंद्र हैं उनकी पूजा करते हैं। बड़े गर्व से कहा। क्यों कहा? एक राजा ही राजा की पूजा करता है, ब्रजराज श्री नंद बाबा ब्रज के राजा है ना, इसलिए पूजन कोई साधारण नहीं, पूजन भी देवताओं को जो राजा है उसकी की जा रही है, इंद्र की। कन्या ने कहा बाबा इंद्र की पूजा ही क्यों? अरे बालक ऐसे नहीं बोलते। उसी समय कन्हैया का सिर घूम गया, बोलते इंद्र तुम्हारा इतना साहस, तुम मेरे पिता से तुम पूजा ग्रहण करते हो? मेरे पिता से मतलब ऐसा नहीं कि इस लीला में ही नंद बाबा कृष्ण के पिता हुए हैं, ऐसा नहीं, नंद बाबा कृष्ण के नित्य पिता हैं, नित्य, टेम्पररी नहीं कि हाँ अभी पिता हैं अगले जन्म में ये इनसे हमारा होता है, नित्य पिता, यशोदा मैया नित्य श्री कृष्ण की मैया हैं, है ना। तो कृष्ण मन में विचार करने लगे इंद्र तुम्हारा इतना साहस, तुमको तो मैं बाद में पूछूंगा, तुमको समझाना आसान है लेकिन ये जो नंद बाबा है ना इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। घर में छोटा सा बच्चा कुछ माता पिता को बोलता ना, हे चुप बैठ जा तेरे को ज्यादा पता है, पिता को कैसे समझाऊं और इंद्र तू तो मेरा दास है, तुझको समझाना तो आसान है लेकिन बाबा को कैसे समझाऊं? बात ये नहीं थी, बात एक सिद्धांत की है, ये गौड़िया सिद्धांत है। और वो क्या है यदि समझ सकते हो तो समझिए, तीन गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। हम संसारिक जीव इन तीनों गुणों में ही हम लिप्त रहते हैं, लेकिन एक स्थिति है इन तीन गुणों से भी ऊपर, उसको कहा जाता है निर्गुण। या फिर एक व्यक्ति जब गुरु जी से दीक्षा प्राप्त करता है, दीक्षा प्राप्त करने के बाद भजन करते करते वो प्रेम स्थिति को प्राप्त करता है, अधो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि असक्ति भाव और प्रेम स्थिति को प्राप्त करता है। जब ऐसी स्थिति उच्च स्थिति को प्राप्त करता है तो शुद्ध सत्व प्राप्त करता है,
शुद्ध सत्व, ये तीनों गुणों से ऊपर हुआ है शुद्ध सत्व। लेकिन एक और ऐसी स्थिति है उसको कहा जाता है विशुद्ध सत्व। देखो थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा समझ लो, कोशिश कर लो। शुद्ध सत्व से ऊपर है विशुद्ध सत्व, वो विशुद्ध सत्व एकमात्र भगवान के परिकर ही हो सकते हैं। हम आप कभी भी विशुद्ध सत्व नहीं बन सकते, कोई नंद बाबा नहीं बन पाएगा, कोई यशोदा मैया नहीं बन सकती, कोई श्रीदाम सुबल भगवान के सखा नहीं बन पाएंगे, कोई ललिता विशाखा नहीं बन सकता, है ना। हम शुद्ध सत्व तक तो पहुंच सकते हैं, तीन गुणों को पार कर सकते हैं अपनी भक्ति से, अपने साधन से, गुरु कृपा से। तीनों गुणों को पार करके शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। लेकिन एक है विशुद्ध सत्व, वो है भगवान के परिकर, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, वो कोई भी नहीं बन सकता, वो एक स्पेशल है, वो लोग भगवान का ही परिवार। समझ आ रहा है? कृष्ण विचार कर रहे हैं मैं कभी भी मर्यादा का उल्लंघन सहन नहीं कर सकता, एक यही बात है जो मुझको अच्छी नहीं लगती, मेरे अप्रिय है मर्यादा का उल्लंघन। यहां पर मर्यादा की हानि हो रही है, और मर्यादा की हानि क्या हो रही है, इंद्र एक देवता है, और देवता में कौन सा गुण है, सत्व गुण। तो मेरे पिता जो विशुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व सत्वगुण की आराधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, जबकि सारे गुणों को मिलकर विशुद्ध सत्व की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वो एक उच्च स्थिति है। समझ आ रहा है? बस ये मर्यादा का उल्लंघन है यहां। मेरे पिता विशुद्ध सत्वमय हैं, इंद्र ये साधारण सत्वगुण है, विशुद्ध सत्व सत्वगुण की पूजा कर रहा है, ये तो मर्यादा की हानि है। जबकि इंद्र को मेरे पिता की आराधना करनी चाहिए, विशुद्ध सत्व की, मेरे परिकर की आराधना करनी चाहिए, सत्वगुण को विशुद्ध सत्व की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी में बोल दिया, आगे बढ़ते, नहीं तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये सिद्धांत है, इतना सरल नहीं। लीला सुनना बड़ा अच्छा लगता है और लगना चाहिए भी, लेकिन उस लीला के पीछे एक फाउंडेशन होता है, एक आधार होता है, उसको बोलते हैं तत्व। अगर वो फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो तो जो घर और महल बनता है ना, वो बहुत वीक होता है। और ऐसा बहुत जगह संसार में हम देखते हैं, रामलीला देखते हैं, रामलीला सुनते हैं, कृष्ण लीला सुनते हैं, और कहां सुनते हैं, कहां देखते हैं, टीवी में देखते हैं, इसलिए क्लैरिटी नहीं होती। राम जी ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, और फिर कोई उल्टा सीधा आकर बकबक कर जाता है तो हमको भी लगता है हां ठीक ही कह रहा है। राम अगर भगवान है तो उनको समुद्र में सेतु क्यों बांधना पड़ा, है ना। राम अगर भगवान है तो पुल क्यों बांधा लंका पे जाने के लिए, इसका मतलब भगवान नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया हाँ ठीक ही तो बोला, बक बक कर दिया किसी ने, ठीक ही बोल दिया, फिर हम लोग भी ये सोचने लग जाते हैं हाँ राम फिर भगवान नहीं हो सकते ना, फिर कृष्ण भी कैसे भगवान हो सकते हैं ना। ये जो मन में डाउट और संशय आता है ना, इसका कारण यही है कि फाउंडेशन इज वेरी वीक, आधार बड़ा कमजोर है। किसका आधार? तत्व का, सिद्धांत का। और अगर तत्व और सिद्धांत में हम स्ट्रांग है ना, कितना भी कोई कुछ बोल दे कोई इसको हिला नहीं सकता। इसलिए वो लीला, भगवान नाचते हैं, भगवान माखन चोरी करते हैं, क्यों करते हैं, कालिया के ऊपर नृत्य करते हैं, क्यों करते हैं, ये तो एक जर्नल, एक लीला है। लेकिन उसके पीछे जो कारण है, जो कॉज है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, वो बड़ा महत्वपूर्ण है समझना, वो है सिद्धांत। गोवर्धन धारण लीला के बहुत सारे
विचार हैं, मैंने अभी एक बताया आपको, अभी और भी हैं, है ना। और पूरी गोवर्धन धारण लीला सुनने के लिए बहुत समय चाहिए, कम से कम 5 घंटा चाहिए पूरी अगर सुननी है तो, इसलिए मैं बीच में कट शॉर्ट कर रहा हूं, बीच बीच में काट कर चल रहा हूं, क्योंकि अगर बहुत गहरा सिद्धांत बोल दिया तो सब कहेंगे अच्छा कल क्यों आए हम, बहुत कठिन हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है समझना, तो मेरी ऑडियंस तो चली जाएगी। इसलिए स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट, तो ये एक ये कारण है विशुद्ध सत्व की यहां पर प्रतिष्ठा है, अर्थात मेरे ब्रजवासी मेरे नंद बाबा की यहां पर प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने के लिए श्री कृष्ण भगवान बीच में आए और कहा हे नंद बाबा इंद्र की पूजा क्यों करनी है, मन में तो पूरी बात समझ गए, ये मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है ना, विशुद्ध सत्व सद्गुण की पूजा कर रहा है, करनी चाहिए उल्टा, सत्गुण सारे देवताओं को मिलकर मेरे ब्रजवासियों की पूजा करनी चाहिए, तो ये उल्टा पुल्टा तो मैं सहन नहीं कर सकता। तब भगवान बड़े सरल भाषा में नंद बाबा से पूछने लगे, बाबा इंद्र की ही पूजा क्यों? तो नंद बाबा ने कहा देखो इंद्र वर्षा का देवता है, हम इंद्र की पूजा करते हैं बड़ा प्रसन्न होता है, भोग लगाता है उसको, जब प्रसन्न होता है तो ढेर सारी वर्षा करता है, और जब वर्षा होती है तो हरी हरी घास होती है, और जब हरी घास होती है तो हमारी गैया उन घास को अच्छे से खाकर ढेर सारा दूध देती है। बाबा ने कहा कन्या बस मुंह देख रहे हैं, बस हो गई बात, बोलते और नहीं तो क्या, बोलते इसी कारण के लिए इसकी पूजा करनी पड़ेगी, इंद्र की पूजा करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा ऐसा नहीं बोलते, देवता नाराज हो जाता है। कन्या ने कहा बाबा आप कितने सरल हो ना, नंद बाबा के संबंध में भागवत जी में क्या कहा, नंद किम अक्रोध ब्रह्म शैव मोहज्ञान यशोदा व महाभागा पपोयस्य स्तनमहारी। नंद महाराज बहुत बड़े विद्वान हैं, कोई ऐसे सरल नहीं है, और महाशय बड़े जेंटल, इसलिए इनको समझाना मुश्किल हो रहा है। बाबा एक बात बतलाओ, जहां इंद्र की वर्षा नहीं होती, जहां इंद्र की पूजा नहीं होती, क्या वहां वर्षा नहीं होती? पहाड़ों में समुद्र में इंद्र की पूजा कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया में इंद्र की पूजा क्यों कौन करता है? न्यूजीलैंड में तो पता ही नहीं कभी बारिश आ जाती है, घर से निकलो अच्छी धूप निकली, अरे कोई जरूरत नहीं, हाँ छाता की कोई जरूरत नहीं, रेनकोट की जरूरत नहीं, आधे घंटे में धड़धड़ वर्षा, और वर्षा हो रही हो घर से निकलो रेनकोट पहन के बाहर निकलो 5 मिनट में वर्षा धूप निकल आएगी। ऑकलैंड में यही होता है, ये नाटक चलता है वहां, वहां कौन सा इंद्र की पूजा हो रही है, और समुद्र के अंदर वर्षा होती रहती है, वहां कौन पूजा करता है इंद्र की, पहाड़ों पे कौन इंद्र की पूजा करने बैठा है ना। इसलिए बाबा ऐसे तो कितने स्थान पर कोई इंद्र की पूजा नहीं करता, तो क्या वहां वर्षा नहीं होती? नंद बाबा के पास उत्तर ही नहीं, क्या बोलूं। फिर सोचे बालक है ना, अभी बच्चा है, समझता नहीं है, धीरे धीरे समझेगा। लेकिन कृष्ण कर्म मीमांसा थ्योरी को सामने रख दिए, और वो क्या है कि बाबा ये देवता जो होते हैं ना, ये कर्म अधीन है, दे आर सबॉर्डिनेट टू द एक्टिविटीज द कर्मस, ये कर्म अधीन है। यदि जीवों के कर्म बड़े अच्छे हैं तो कोई भी देवता फल देने के लिए रोक नहीं सकता, दे आर बाउंड, दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स देयर वर्क, उनको अपना काम करना पड़ेगा, नहीं तो आउट आउट हो जाएंगे, वहां से किसी और को रख दिया जाएगा।
क्योंकि बहुत सारे बैठे हैं लाइन में। देवता कौन बनता है? ये कोई अलग प्राणी है क्या? हम ही आप कभी देवता भी बने हुए हैं, कभी पशु पक्षी भी। ये ब्रह्मांड में चक्कर कट रहा है 14 लोकों का, स्वर्ग में कभी नरक में कभी कहां कभी कहां, जिसकी बहुत सारी सुकृतियां पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं उसको देवता की पोजीशन दे दी जाती है। जैसे कंट्री में भी जिसका बहुत अच्छा प्रोफाइल हो, बहुत अच्छा एजुकेशन हो, सब कुछ हो, तो उसको एक पोजीशन दे दी जाती है, सेलिब्रिटी बन जाता है। जिसके बहुत सारे पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं उसको देवता बना दिया जाता है ना? और वहां पर रहकर क्या करते हैं? अरे आनंद, मौज मस्ती बाहर, बड़ी मौज मस्ती है। लेकिन कितनी मौज मस्ती होती है? जितना क्रेडिट है उतना। आपके अकाउंट से क्रेडिट निकलता जा रहा है, आप उसको रोज एंजॉय कर रहे हो, और जब समाप्त हो गया तो वहीं से स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है, जाओ पृथ्वी पर आओ, फिर कमाओ, फिर आ जाना। यही एक ऐसा स्थान है जहां पर ये क्रेडिट, ये पुण्य कमाए जाते हैं। ध्यान से समझना। अच्छा एग्जांपल, एक गांव का लड़का, इंडिया के एक गांव का लड़का आया ब्रिस्बेन में। एक फ्रेंड ने उसको बुला लिया, फ्रेंड का नाम सिद्धार्थ, हरियाणा के एक गांव का अपने एक मित्र को यहां बुला लिया। बोलते तेरे अकाउंट में हमने पैसा रख दिया और ये है एटीएम कार्ड, एक एटीएम मशीन में जाना, ये पासकोड है, पिन डालना और पैसा निकल आएगा। एक दिन में कितना लिमिट होता है? $1,000। हाँ चलो आपका बैंक बड़ा है, $1,000 निकल आते हैं। इसने कहा मशीन है कि लक्ष्मी देवी है? ऐसे कार्ड डाला, पिन डाला, ठक 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 ठक, $1,000। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी देवी, मशीन के चरण छूने लगा। ऐसी मशीन तो आज तक नहीं देखी जो पैसा देती है, वाह जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी। $1,000 लिया और बस साइट सीन किया, टैक्सी किया, 5-star होटल में गया, शाम तक $1,000 पूरा खा लिया, पैसा खत्म। नेक्स्ट डे फिर मशीन में कार्ड डाला, सेम प्रोसीजर, $1,000, जय हो लक्ष्मी देवी की जय। और अगले दिन तो आरती भी लेकर गया, इसकी आरती उतारे, फिर $1,000 खूब आनंद से, रोज ऐसा करता गया। और एक दिन कार्ड डाला, पिन डाला, कुछ नहीं निकला। बोलते लक्ष्मी रूठ गई, शायद मेरी पूजा कुछ गलत हो गई, और मशीन को ठक ठक मार भी रहा है कि वो शायद अटक गया कुछ, एक भी कॉइन नहीं निकल रहा, क्यों क्या गड़बड़ है? सिद्धार्थ को फोन किया, भैया सिद्धार्थ क्या करें, एक भी पैसा, $1 तक नहीं निकल रहा। अब मेरी आदत बिगड़ चुकी है, रोज जब तक 5-star होटल में नहीं जाता मेरे को अच्छा नहीं लगता। सिद्धार्थ ने कहा अच्छा अच्छा मैं, तुम कुछ करते थे? बोलते हाँ मैं थोड़ा थोड़ा रोज निकालता था। अच्छा लेट मी चेक विद द बैंक। बैंक में फोन किया, बोलते सर रोज ही विड्रॉल था 1-1 हजार का, आपने जितना डाला था अकाउंट में रोज विड्रॉल था, पैसा खत्म हो गया। तो उन्होंने बोला तुमने रोज पैसा निकाला था? बोलते हाँ रोज निकाला, क्या किया? खर्च कर दिया। बोलते यही तो बात, तुमने खर्च कर दिया और पीछे जीरो हो गया, रोज उसको खर्च किया और जीरो हो गया। ये है हमारे क्रेडिट्स, हमारे पुण्य, जो हम कमाते हैं अच्छा काम करके, वो जब इकट्ठे हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपने क्रेडिट का ही खाता है, इसलिए किसी एक बहुत सियाने व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही, अब ये थोड़ा लीला से अलग बात है, कि कभी किसी को देखकर ईर्ष्या क्यों होती है? कोई सेलिब्रिटी बन जाता है, कोई बिलियनियर बन जाता है, कोई ऐसे बन जाता है? नहीं।
उसको देखकर ईर्ष्या क्यों, एनवेस क्यों? हर व्यक्ति अपने क्रेडिट का ही आनंद लेता है, एंजॉय करता है, और हर क्रेडिट के पीछे एक सेक्रीफाइस है। ध्यान से सुनना, हर पुण्य के पीछे एक सेक्रीफाइस है। एक्चुअली हर कोई अपने सेक्रीफाइस का ही एंजॉय करता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? मैं एक दिन में $100 कमाता हूं और शाम को भागवत में $10 मैंने डोनेट कर दिया, यहां पर आकर चढ़ा दिया, तो देखने में लग रहा है कि मैंने $10 का सेक्रीफाइस किया, मतलब कम हो गया जेब से, राइट? 90 बचा एंड ऑफ द डे, और 10 ही मैंने चढ़ा दिया, डोनेट किया, ये सेक्रीफाइस तो हो गया। और ऐसे जब बहुत सारे सेक्रीफाइसेस जब इकट्ठे होते हैं तो उसका एंजॉयमेंट का टाइम भी आता है। आपको लग रहा है कि मेरी जेब से $10 गया है, तो एक अकाउंट से तो लग रहा है कि वो कम हो गया, लेकिन एक दूसरा अकाउंट है, पुण्य का अकाउंट, वहां बढ़ गया है। यहां $10 कैश समाप्त हो गया, लेकिन पुण्य वाले लेजर में वो $10 एड हो जाता है। और ऐसे जब बहुत सारे एडिड हो जाते हैं तो किसी जन्म में रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, उसका जेट है, उसका याच है, उसका सब एंजॉय करता है, अपने पुण्यों का एंजॉय कर रहा है, अपने क्रेडिट्स का एंजॉय कर रहा है, और उस क्रेडिट्स के लिए उसने कितना सेक्रीफाइस किया हुआ है, पहले पहले जन्मों में कितना सेक्रीफाइस किया हुआ है, वो सारे सेक्रीफाइसेस कलेक्टिंग टुगेदर, हीप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस टुगेदर टर्न्स आउट टू एंजॉयमेंट्स, बिकम सेलिब्रिटीज, रिच पीपल, मूवी एक्टर्स एंड ऑल दैट। हर कोई अपने सेक्रीफाइस का ही एंजॉय करता है। देवताओं का भी यही है, बहुत सारे पुण्य कमाकर देवता बन जाते हैं, और वहां पर एंजॉय करने के बाद बस यही फेंक देते हैं वापस। सिद्धार्थ ने बोल दिया, बेटा तूने रोज $1,000 निकाला, जब वापस इंडिया का फ्लाइट पकड़ के वहां कमाकर फिर आना। अब ऐसे ही होता है, इसलिए पुण्य कमाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भक्ति कमाना बहुत बड़ी बात है। अब ये दो अलग अलग चीज है, क्या डिफरेंस है? जस्ट टू मेक इट क्लियर द कॉन्सेप्ट, जहां पर ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य की सेवा के लिए सेक्रीफाइस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पुण्य, वो पुण्य है। जहां पर भगवान सेंटर है उस सेक्रीफाइस के, वो है भक्ति, वो पुण्य नहीं है, वो भक्ति वाला लेजर है। जहां पर एक इंसान, एक मनुष्य सेंटर होता है उस एक्टिविटी का, वो पुण्य कमाए जाते हैं। गरीब को खिला दिया, ब्लैंकेट दे दिया, डोनेट कर दिया, किसको? एक मनुष्य को, ये पुण्य है। उसका रिजल्ट क्या? देवता। और दूसरी ओर जहां पर भगवान सेंटर है, हम लोग भी बहुत हेल्प करते हैं गरीब लोगों का, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, उनकी फीस पे करते हैं, गरीब है उनको भी हम प्रसाद खिलाते हैं, लेकिन भगवान को सेंटर में रखकर, इंडिविजुअली उन पर कंपैशन करके नहीं, भगवान को सेंटर रख के पहले वो चीज भगवान को भोग लगाई जाएगी, और फिर वही प्रसाद फिर जो होमलेस हैं, पुअर हैं, उनको खिलाया जाता है, जिससे उनको भी लाभ हो। ये पुण्य की एक्टिविटी नहीं है, ये भक्ति वाली एक्टिविटी है। समझ आया? इसलिए पुण्य और भक्ति ये दो डिफरेंट हैं। सीधी सीधी बात मैंने बोल दी, जहां भगवान इज द सेंटर ऑफ अवर एक्टिविटी, दैट्स भक्ति। जहां पर कोई मनुष्य सेंटर है, वो भक्ति नहीं, वो पुण्य है। चॉइस इज योर्स, आप पुण्य कमाकर देवता बनना चाहते हो, या फिर आप भक्ति कमाकर ऐसे स्थान पर जाएंगे, भगवान के धाम पर, जहां पर जाकर फिर कोई वहां से फेंकता नहीं है, वहां पर कोई फेंकता नहीं है, बस उसका पीआर हो जाता है वहां, वह परमानेंट रेजिडेंट, सिटीजन हो जाता है वहां पर, और सारे देवता उसकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, सारे देवता मिलकर। लेकिन देवता बनकर थोड़े 10,000 वर्ष तक लगभग कुछ ऐसे ही
को एंजॉय किया और फिर आ जाओ यहां पर, फिर जीरो से स्टार्ट करो। ये डिफरेंस है। होमलेस किसको बोलते हैं? मैं अभी यूएस में रोज ही लगभग ये बात बोलता था, यहां पर होमलेस लोग होते हैं बहुत है ना, देख के भी तरस आता है ना, इनको होमलेस कहा जाएगा? ये होमलेस है ही नहीं, ये फेक होमलेस है, बोनोफाइड होमलेस नहीं। आप इन होमलेस को किसी एक को सड़क से बोलकर ये बोलो, देखो सनातन धर्म क्वींसलैंड में मंदिर बन रहा है, तुम यहां पर आओ सेवा करो, तुमको खाने को भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारी फैसिलिटी मिलेगी, देखना कितने लोग आएंगे यहां। कोई आना चाहेगा? मुरुलंबा में हमारा सेंटर है, किसी होमलेस लोग को बोलो देखो वी आर रेडी टू फीड यू, 3 टाइम मील मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, थोड़ा जेब खर्ची भी मिलेगा, सब मिलेगा, बस भगवान का सेवा करना है, करके देखो कितने लोग आएंगे जरा देखो। जीरो, एक नहीं आएगा, क्योंकि वो होमलेस ही रहना चाहते हैं, जबकि होम प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारे श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, ही डिक्लेयर्ड आई हैव मेड अ इंस्टीट्यूशन वेयर होल वर्ल्ड कैन कम एंड स्टे, प्रभुपाद सेड दिस। हमारे जितने मंदिर हैं हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, क्या पागलों की तरह ब्रिज के नीचे इधर उधर रहते हो, आओ मंदिर में, हम सारी फैसिलिटी देंगे, रूम भी देंगे, नो इंटरेस्ट, होमलेस ही रहना चाहते हैं। तो एक्चुअली वो होमलेस नहीं है। होमलेस कौन है? हम लोग हैं होमलेस। आप कहेंगे ये क्या बात है, आप तो बहुत बड़े मंदिर में रहते हो, आपके सिर पर शेल्टर है, खाने को भी मिलता है, कपड़े भी अच्छा पहनते हो, आप होमलेस कैसे हो सकते हो? क्योंकि अब सुन लो ध्यान से, हम जानते हैं वास्तव में हमारा होम क्या है, कौन है, कौन सा हमारा घर है। ये संसार हमारा घर नहीं है, कोई रनकोर में रहे, 8 माइल्स में रहे, इधर रहे, वो हमारा घर नहीं है। हमारा घर कहाँ है? वेर इज अवर डेस्टिनेशन? भगवान का धाम, दैट्स अवर होम, एंड वी आर होमलेस। हम अपने घर से, अपने होम से अलग हुए पड़े हैं, एंड बिकॉज वी वॉन्ट टू गो बैक टू अवर होम, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग टू गो बैक टू अवर होम, वी आर एक्चुअली बोनाफाइड होमलेस पीपल। हम लोग वास्तव में होमलेस हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा घर क्या है और हम वहां पर जाना चाहते हैं, हमारे अंदर एक इच्छा तो है। ये है इसका वास्तविक मतलब, द बोनाफाइड मीनिंग ऑफ बीइंग होमलेस। और ये जो सड़क पर घूमते हैं ये होमलेस नहीं है भाई, दे आर प्रटेंडिंग टू बी होमलेस बिकॉज दे एक्चुअली डोंट नो वट इज देयर होम, उनको ये भी नहीं पता। समझ आया बात? ये पुण्य इकट्ठा होकर देवलोक प्राप्त हो जाता है, और भी लोग प्राप्त हो जाते हैं। यही फिलॉसफी जो मैंने शॉर्ट में कही, श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा से कह रहे हैं, बाबा देवता कर्माधीन है, यदि जीव के कर्म अच्छे हैं तो देवता उसको फल देने के लिए बाध्य है, वो रुक नहीं सकता, उसका हिम्मत नहीं है। लेकिन जीव के कर्म यदि खराब है तो देवता क्या करेगा? फिर पहनो ताबीज, अंगूठियां पहनते रहो, ताबीज पहनते रहो, उसमें देवता क्या करेगा? तुम्हारे कर्म ही खराब है। और बाबा हमारे कर्म देखो कैसे, हम तो गैया की पूजा करते हैं, बड़े सात्विक हैं, इसलिए ये इंद्र कौन होता है ये विचार करने के लिए कि वर्षा करेगा या नहीं करेगा, ये बाध्य है। इतनी सारी बात भगवान क्यों बोल रहे हैं जानते हैं? ये तो कह नहीं सकते कि इंद्र है कौन, ये मेरा ही दास है, ये अगर बोल देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए घुमा फिराकर बोली जा रही है बात। नंद बाबा ने कहा देखो बालक,
हम तुम्हारी बात समझ तो रहे हैं, तुम ठीक ही कह रहा है, लेकिन जाओ तुम खेलो, तुम बालक है ना, छोटे से बच्चे की बात को इतना जल्दी विश्वास नहीं किया जाता। कन्हैया कहने लगे, बाबा अच्छा एक बात और बताओ, इतने वर्षों से आप पूजा करते आ रहे हो, भोग लगाया, कभी आपके देवता इंद्र ने, ऐसे बोल रहे हैं सरकास्टिक, आपके देवता इंद्र ने कभी दर्शन दिया? बोलते नहीं। कभी खा के दिखलाया? बोलते भी नहीं। बाबा बेकार का देवता है, वो बेकार का देवता है। मेरी बात मानो, अब आ गए एसेंस पे। देखो एक द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज, प्रेजेंटेशन कैसे होती है, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन, फिर थोड़ा सा एलैबोरेट, और लास्ट में एसेंस। ये एक फॉर्मेशन है प्रेजेंटेशन की। अब एसेंस में कृष्ण कह रहे हैं लास्ट में, बाबा मेरी बात मानो तो इस देवता की पूजा छोड़ दो, बेकार का है। अब तो नंद बाबा बिगड़ गए, तो इसकी पूजा छोड़ दो तो क्या तेरी करें? नंद बाबा क्रोध में बोले। कन्हैया ने कहा, मन में विचार करें, बात तो सही कह रहे, करनी तो मेरी चाहिए, भोग तो मेरे को ही लगना चाहिए, लेकिन अगर ये मैंने कह दिया कि बाबा मेरी पूजा करो तो भी कान पकड़ कर भेंट पूजा हो जाएगी, एक मारेंगे तमाचा, तेरी पूजा करेंगे हम, आया बड़ा भगवान। तो ये तो कह नहीं सकते कि मेरी पूजा करो। तो उस समय कृष्ण विचार करने लगे कि मेरे जैसे ही एक स्वरूप की पूजा करवाऊंगा, अपनी पूजा करूंगा तो बाबा मानेंगे नहीं, और पूरे ब्रजवासी बाबा के डिसीजन पर एकदम तैयार बैठे हैं, जो नंद बाबा कह देंगे बस वही होगा। इसलिए जो की पर्सन है ना, वो चलाक है, कृष्ण उन्हीं को ही पकड़ लिए, वही अलग अलग को क्यों बोलूंगा, की पर्सन को पकड़ लो बस। तो कृष्ण कह लेंगे, बाबा हमारे ब्रज में एक बहुत बड़े देवता हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। बाबा ने कहा, कौन सा तेरा देवता? होते बाबा गोवर्धन, गिरिराज, सारे पर्वतों में जो सबसे श्रेष्ठ है, पूजा करनी है तो उनकी करो। और जानते क्यों? आप हरी हरी घास के लिए तो सब कुछ करते हो ना, गोवर्धन जी वहां पर सुंदर सुंदर सरोवर हैं, सुंदर सुंदर बगीचे हैं, हरी हरी घास है, फल हैं, और वो सबको प्रदान करते हैं। हमारी गैया उन घास को खाती है, सरोवर का जल पीती है, और फल फूल कंदरा ये सब वहां पर हैं। इसलिए पूजा करनी है, आराधना करनी है, तो फिर गिरिराज गोवर्धन की ही करनी पड़ेगी, है ना। एक सिद्धांत यहां पर और आया, अगर समझ सकते हो तो देखो, हम संसार के जीव हैं, ये संसार के जो जीव होते हैं उनके अंदर 18 दोष होते हैं, 18 फॉल्ट्स। कौन कौन से? मोह तंद्रा भ्रम रुरुक्ष काम उलवन मद मत्सर्य हिंसा खेद परिश्रमो असत्यम क्रोधम आकांक्षा आशंक विश्व विभ्रम परपेक्षा दोष अष्टोदेशिता। रूप गोस्वामी जी भक्ति स्वामी सिंधु में बतला रहे भाई रूप गोस्वामी, 18 दोष। अब ये सब हमारे अंदर है, कैसे? एक दो बता देता हूं। जैसे मोह, हमको मोह हो जाता है, थोड़ा सा परिश्रम करते हैं तो थकावट हो जाती है, तंद्रा, और भ्रम भी हो जाता है। फिर बहुत सारी आकांक्षाएं हैं हमारी, इच्छाएं हैं, और कभी कभी आशंका भी हो जाती है, ये ठीक हो रहा है कि नहीं, डाउटफुल। फिर असत्य, झूठ भी बोलते हैं, झूठ तो बहुत ही बोलते हैं हम लोग, है ना। क्रोध, मात्सर्य, ये सब 18 दोष सबके अंदर प्रोपोर्शनेटली है। अब भगवान आए हैं इस पृथ्वी पर मर्त्यलोक में, ये दोष भगवान को स्पर्श कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर भगवान इनको स्पर्श करना चाहे तो कोई रोक सकता है? कोई बड़ा आदमी है, बिलियनियर, उसका ड्राइवर है और उसके पास बड़ी गाड़ी है,
तो वो शॉफर ड्रिवन कार है, वो ड्राइवर उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन अगर मालिक कहे आई वॉन्ट टू ड्राइव टूडे, आज मेरी मर्जी है, बड़ा आदमी है, स्वयं ड्राइव करने की इच्छा है, तो ड्राइवर उसको रोक सकता है? नहीं, वो कुछ भी चाहे करने कर सकता है। ऐसे ही भगवान इस संसार में आते हैं तो यहां के दोष भगवान को तो स्पर्श नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर भगवान अपनी इच्छा से इन दोषों को गले लगाना चाहे तो कौन रोक सकता है? जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा में ही रहूंगा, तो मर्यादा कोई फांसी है जो भगवान को बांध दी? नहीं, अपनी इच्छा से उस मर्यादा को उन्होंने स्वीकार किया है, किसी ने उनको बाउंड नहीं किया। ऐसे इन सारे दोषों को, ये एक एक दोष, एक एक लीला को पुष्ट करते हैं, नरिश करते हैं। भगवान को भी मोह हो जाता है, भ्रम हो जाता है। जब भ्रम होता है तो भ्रम विमोल लीला हो जाती है, हाय मेरे बछड़े कहां गए, मेरे सखा कहां गए। बस एक ये जो दोष भ्रम को गले लगा लिया, इतना बड़ा वो भ्रम विमोल लीला हो गया। झूठ बोलते हैं भगवान? बहुत झूठ बोलते हैं। कहां बोला? मिट्टी खा ली। बताओ, आप इतना कुछ खाने वाले, माखन खाते हैं, गोकुल में ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खा ली और यशोदा मैया के निकट आ गए। मैया तो कृष्ण को ऐसे देख रही है और कन्हैया ने मैया के तेवर देख के समझ गया कुछ गड़बड़ है। बच्चा भी ना माँ का मुंह देखता है ना, समझ जाता है कुछ गड़बड़ है, और माँ भी बच्चा का मुंह को देखकर समझ जाती है। तो मिट्टी खा ली आज तो, बस यशोदा मैया के तेवर थोड़े बिगड़े हुए, और सीधा हाथ गया कान पर ही। ये तो यशोदा मैया का प्रेम है, सीधा हाथ कान पर और मरोड़ दिया। क्यों रे, मैं सुन रही हूं तूने आज मिट्टी खाई। बहुत लंबी कथा है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन भगवान ने कहा नाहम भक्षितम वा, हे मैया मैंने माटी नहीं खाई। ये जो जितने मेरे सखा लोग कह गए ना, तुमको शिकायत कर गए, सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं नाहम भक्षितम वा, सर्वे मिथ्या विष्णसिना, ये सब मिथ्या कह रहे हैं। यदि सत्य ग्रही समक्ष पक्ष में मुखम, यदि तुमको विश्वास नहीं होता मेरा मुंह खोल कर देख ले, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं ना, मिट्टी तो खाई हुई है। इसका मतलब क्या? नाहम भक्षित अम्बा, ये संस्कृत ना बड़ी विचित्र भाषा है, इसका एक अक्षर के पांच पांच अर्थ निकलते हैं। वन वर्ड है फाइव मीनिंग्स, मोर देन फाइव। जो शब्द है ना हम, उसको अगर एक साथ कहा जाए तो उसका अलग मतलब निकलता है, अर्थ निकलता है, और उसको डिवाइड करके कहा जाए तो अलग अर्थ निकलता है। अच्छा चलो, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कहा मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। क्या कह रहे हैं? मैया मैंने खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। और वो जो शब्द नहीं है ना, उसको ब्रेक कर दो। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, अब नहीं को ब्रेक करके ना, मैंने ही तो माखन खाया, और किसने खाया? इसलिए झूठ कभी नहीं। भगवान सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सब समय सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। तो ना हम भक्षितम अम्बा, मैया मैंने माटी नहीं खाई, वो शब्द ना हमको यदि डिवाइड किया जाए, काट दिया जाए, तो उसका मतलब क्या निकलता है? कि मैया तू मिट्टी की बात कर रही है, मैं तो सारा ब्रह्मांड खा रखा है, सब मेरे पेट में है, मेरे उदर में है, ना हम भक्षित होंगे, तो झूठ नहीं बोल रहे। और दूसरी बात तो यह है, भगवान भी सोचते हैं हर जगह तो सच्ची बोलते हैं, झूठ में भी क्या फ्लेवर है वो भी थोड़ा चख के देख ले, और वो फ्लेवर ब्रज में ही हो सकता है, बाहर तो कहीं हो नहीं सकता।
बात तो बाहर को बहुत सीरियसली लिया जाएगा। अगर मैं एक प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, आप लोगों को कुछ कह रहा हूं, तो यहां पर थोड़ा एक रिजर्वेशन है ना, एक सीरियस होकर मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, लेकिन प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, मैं दो चार अपने गुरु भाइयों के साथ बैठकर कुछ भी हंसी मजाक करूं तो वो सीरियसली नहीं लेंगे। ऐसे ही ब्रज से बाहर, वृंदावन से बाहर, वहां तो सत्य ही बोलना पड़ेगा, लेकिन ब्रज के लोग अच्छे से समझते हैं, रिकॉन्साइल कर लेते हैं, तो थोड़ा सा झूठ बोलकर भी आनंद ले लिया जाए, क्योंकि झूठ तो कभी बोला नहीं, हमेशा सच्ची बोलते हैं, तो ये भी एक फ्लेवर है, उसको भी चख लें। तो कहने का मतलब, असत्य झूठ बोलना एक दोष है, लेकिन इसी असत्य को अंगीकार करके माखन चोरी लीला और ऐसी बहुत सारी लीलाओं को संपन्न करते हैं। गोवर्धन धारण लीला भी इसी प्रकार से है। मद, अभिमान, ये एक फॉल्ट है ना, एक दोष है ना, लेकिन ये देखकर कि मेरे होते हुए मेरे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, ये अभिमान को भगवान ने गले लगा लिया, इस दोष को, और उस एक फॉल्ट मद के कारण क्या कर लिया, इतनी बड़ी गोवर्धन धारण लीला को संपन्न कर लिया, जिसकी हजारों डिटेल्स हैं। दिस इज वन अदर कॉज, एक और कारण है गोवर्धन धारण लीला का। और ऐसे करने से होगा क्या, क्यों कर रहे हैं भगवान, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, बड़े करुणा वाले हैं, बड़े कंपैशनेट हैं, इन सारे फॉल्ट्स को समझना बात को, इन सारे फॉल्ट्स को स्वीकार करके एक एक जो लीला की जा रही है उससे हमारे अंदर ये फॉल्ट समाप्त हो जाए, इन लीलाओं को सुनकर, समझे, कहते ना लोहा लोहे को काटता है, बात पकड़ में आ रही है, झूठ बोलने की टेंडेंसी है, लेकिन जो माखन चोरी लीला और मिट्टी खाने की लीला को बार 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 सुनता है ना, श्रद्धा के साथ साधु के अनुगत में, तो वो झूठ बोलने की जो टेंडेंसी है वो समाप्त हो जाएगी इन लीलाओं को सुनकर। इसलिए भगवान जानबूझकर इन फॉल्ट्स को अम्ब्रेस करते हैं, इसको गले लगाते हैं, अंगीकार करते हैं, और उसके द्वारा अपनी लीला को एक्सपेंड कर देते हैं। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, जैसा कंपैशन, ये सिद्धांत है, ये तत्व है, समझे बात को। बोलो श्री गिरिराज महाराज की। थोड़ा सब लोग थक गए हैं, बहुत अटेंशन देना पड़ता है समझने के लिए। जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, मेरे पीछे गाओ। हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल 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 हरी
गोवर्धन की करो। अभी गोवर्धन की पूजा करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, पूरा संसार। ये गोवर्धन जी वहां कैसे आए, इसके पीछे दो इतिहास हैं। एक तो ये, जब लंका पर जाने के लिए श्री राम जी समुद्र पे सेतु बंधन कर रहे थे, तो वानर बड़े बड़े पत्थरों को, चट्टानों को ला रहे थे। हनुमान जी भी विंध्याचल पर्वत के निकट जाकर गोवर्धन जी को प्रार्थना करके, हे गोवर्धन, मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, मत ले जाओ, हम यहीं पर रहेंगे। अरे, तुमको ले जा रहा हूं श्री राम जी की सेवा के लिए, श्री राम आपके मस्तक पर चरण रखेंगे, कितना सौभाग्य है। तो गोवर्धन जी ने कहा, तो तुरंत ले चलो। हनुमान जी गोवर्धन जी को उठाकर ला रहे हैं पर्वत को, लेकिन जैसे ही वृंदावन की भूमि के ऊपर से उड़कर जा रहे ना, उसी समय आकाशवाणी हो गई, सेतु बंधन हो चुका है, जो कहां से कहीं से भी पत्थर चट्टान ला रहा है वहीं पर ही रख दो, लाने की आवश्यकता नहीं। अब हनुमान जी वहीं पर ही पर्वत को रख रहे हैं, गिरिराज जी को रख रहे हैं। गोवर्धन जी कहने लगे, आप तो कह रहे थे राम की सेवा में ले जाओगे, श्री राम जी की सेवा में। हनुमान जी ने कहा, क्या करें, श्री राम जी का आदेश हो गया, अब क्या करूं। बोलते, मैं तो सेवा से वंचित हो गया ना। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो गोवर्धन, राम की सेवा नहीं, श्याम की सेवा अवश्य मिलेगी, श्री कृष्ण की सेवा तुमको मिलेगी, लेकिन थोड़ा समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। गिरिराज जी ने कहा, मैं कुछ समय क्या, बहुत समय तक प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन निश्चित है ना शाम की सेवा मिलेगी। बोलते, बिल्कुल निश्चित है। आप कहेंगे, पर्वत भी बोलते हैं क्या? हाँ, पर्वत उड़ते भी थे पहले, इनके विंग्स, इनके पंख होते थे पर्वतों के, इसलिए कहीं से भी उड़कर कहीं पर भी जाकर बैठ जाते थे, और जहां बैठते थे गांव के गांव, पूरा टाउन सब नष्ट हो जाता था। ये देखकर इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, और इंद्र अपने वज्र से सारे पर्वतों के पर काटने लगे। और ये देखकर ये उड़ते उड़ते कितने तो समुद्र के अंदर चले गए छिपने के लिए, कि जब इंद्र का क्रोध शांत हो जाएगा तो फिर हम उड़ आएंगे। उस समय इंद्र अगस्त जी से प्रार्थना किए, हे अगस्त जी, ये पर्वत बड़े दुष्ट हो गए, ये उड़ते उड़ते कहीं पर भी बैठ जाते हैं और पूरा गांव का गांव एकदम नष्ट कर देते हैं। अब ये पानी के अंदर छिप गए हैं,
इसलिए आप सारा पानी पी जाओ। हम तो 6 बाल्टी पानी नहीं पी सकते, और अगस्त ऋषि 7 समुद्र को ऐसे पी गए, 7 oceans, नॉट इवन 7 buckets, ऐसे 7 7 समुद्र को ऐसे पी गए। और तब इंद्र ने देख लिया कौन पर्वत कहां छिपा है, बस वहीं पर ही उनके पर काट दिए। इसलिए पानी के अंदर भी पर्वत है। हाँ, ये भी एक जीव है। तो इसलिए श्री गिरिराज जी जब प्रार्थना किए तो हनुमान जी ने कहा शाम की सेवा मिलेगी। तब से गिरिराज जी वहां पर ब्रज में प्रतीक्षा करने लगे, युग युगों तक प्रतीक्षा करने लगे कब कृष्ण आएंगे और उनकी सेवा हमको मिलेगी। और किसी एक कल्प में दूसरी कथा भी है। एक ऋषि थे पुलस्त ऋषि, काशी में कोई पर्वत नहीं था, तो पुलस्त ऋषि गोवर्धन जी से कहने लगे चलो मेरे साथ काशी में चलेंगे। गोवर्धन जी काशी जाना नहीं चाहते, क्यों? वहां पर सब जप करते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मतलब मैं ही शिव हो गया, मैं ही शिव हो गया। कोई शिव बन सकता है जो ये जप करते हैं ना शिवोहम शिवोहम, तो बोलने से कोई शिव हो जाएगा? कल से मैं भी जप करूंगा प्राइम मिनिस्टर हम प्राइम मिनिस्टर हम प्राइम मिनिस्टर हम, मेरे बोलने से मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा? जो सोचते मैं शिव बन गया उनको बोलेंगे प्लीज एक थोड़ा सा हमारे पर उपकार कर दो, एक हेल्प कर दो। क्या वो आज तक ना कोई साइनाइड का टेस्ट नहीं बता पाया? आप थोड़ा सा साइनाइड खाकर बता दो इसका टेस्ट क्या है। अगर तो ये मीठा है तो हम डेजर्ट सर्व करेंगे, अगर सावर है सॉल्टी जर बताना, एक बूंद साइनाइड खाने से बता सकेगा? और शिव तो पूरा प्याला साइनाइड का पी गए और नीलकंठ हो गए। तो शिवोहम शिवम बोलने से कोई शिव तो होगा नहीं, इसलिए ऐसे स्थान पर गोवर्धन जी जाना ही नहीं चाहते थे। तो पुलस ऋषि ने कहा मैं शाप दे दूंगा नहीं चले तो। अच्छा अच्छा शाप मत देना मैं चलता हूं, लेकिन हमारी भी एक कंडीशन है, कहीं पर रखना नहीं, जहां रखेंगे उसके आगे मैं चलूंगा नहीं। बोलते मैं क्यों रखूंगा, तुरंत उड़ाकर ले जाऊंगा तुमको। पुलस ऋषि ऐसे पर्वत को उठाकर चल रहे हैं और जैसे ब्रज के ऊपर पहुंचे देवशता नेचर कॉल लघु शंका लग गया। पुलस ऋषि भूल गए कि मेरे को गिरिराज जी को पर्वत को रखना नहीं है, वही पर्वत रखा, स्नान इत्यादि किया, मंत्र जप किया और उठाने लगे तो गोवर्धन जी ने कहा हम तो आगे जाएंगे नहीं, हमने कह दिया था कि एक जहां रखोगे उससे आगे हम कहीं बढ़ेंगे नहीं। पुलस ऋषि जी ने कहा मैं शाप दे दूंगा। बोलते आप एक क्या 100 शाप भी दो अब यहां से हम नहीं जाएंगे। तो पुलस ऋषि ने शाप दे दिया, हर एक दिन एक एक तिल, तिल समझते हैं क्या होते हैं, एक एक तिल करके आप नीचे जमीन पर धसते चले जाओगे। ये शाप गिरिराज जी ने कहा एक शाप क्या 10 दे दो अब तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। क्यों? राम श्याम की सेवा मिलेगी ना, कृष्ण की सेवा मिलेगी, भगवान की सेवा के लिए शाप भी लगेगा वो भी स्वीकार करेंगे। तुमार सेवाएं दुख है जतो सही तो परम सुख। भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं हे भगवान आपकी सेवा में जितने भी दुख और कष्ट कलेश मेरे को सहन करने पड़ेंगे परम सुख का विषय होगा, क्योंकि आप उसके सेंटर्ड हैं, वो दुख आपके कारण है, वो ट्रबल्स वो प्रॉब्लम्स आपके कारण, यू आर द सेंटर ऑफ दैट, दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी टू एम्ब्रेस दैट। भक्ति ठाकुर सिंह। तो जो भगवान के लिए इतना त्याग करे तो भगवान त्याग एक्नॉलेज नहीं करते, नहीं समझते? अवश्य समझते हैं। इसलिए आज नंद बाबा से कह दिए बाबा पूजा करनी है तो गिरिराज गोवर्धन जी की करेंगे।
और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारे देवता गोवर्धन ये दर्शन भी देंगे और खाकर भी दिखलाएंगे। नंद बाबा इतना सारा कुछ सुन लिया ना, अब तो विश्वास हो गया। कन्हैया जो कह रहा है फिलोसफिकल, बिल्कुल सिद्धांत के द्वारा बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन की, पूरे कन्विंस है, पूरा विश्वास है। तो ठीक है कन्हैया, इस वर्ष हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, घोषणा कर दी। सारे ब्रजवासी गोवर्धन जी के निकट चले आओ, जिसने घर में जो बनाया सब लेकर आ जाओ। क्यों 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 कैसे, इतने सालों से हम एक परंपरा बोलते हैं, वो परंपरा पुरानी परंपरा, अब ये नई परंपरा है। किसने कहा, बोलते कन्हैया ने कहा है। ओ कन्हैया ने कहा तो फिर सब चुप हो गए, बोलते इनके आगे तो चलेगी नहीं किसी की, जो ये बोलते वही शास्त्र है, जो ये बोल दे वही नियम है, जो ये कह दे वही भागवत धर्म है। ये वे भागवत प्रोक्ता उपाही आत्मलब्धे आज्ञा पुंसना विदुषम विधि भागवतम हिता। भागवत धर्म क्या है, भगवान से मुख से निकली हुई जो वाणी हमको उपदेश दे रही है उसको पालन करना ही भागवत धर्म है, सीधे सीधे बात। तो सब बड़े प्रसन्न, और इस वर्ष इंद्र की पूजा ना करके सब अपने मस्तक पर सिर पर धोकर लाए। देखो ये एक आदर का प्रतीक है, किसी को कोई प्रेजेंट देना हो विशेष करके भगवान को, अपने मस्तक पर धारण करके देना। क्यों मस्तक पर, दैट्स द टॉप ऑफ द बॉडी ना, पूरे शरीर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है, डिसीजन भी यहीं से होते हैं। जिसका ये खराब हो जाए ना तो पूरा बॉडी खराब हो जाता है, ये ऑफ नहीं होना चाहिए, ये ऑन रहना चाहिए। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मस्तक। और ये जिसके आगे झुकता है, झुकने से क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा गुण है, ये गुरुजनों के सामने भगवान के सामने झुकता है, इसलिए मस्तक को झुकाना ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इसलिए मस्तक पर कोई वस्तु लाकर अर्पण करना ये बहुत विशेष एक आदर की भावना है। सारे ब्रजवासी अपने मस्तक पर धारण करके सारी सामग्री गिरिराजी की तलटी पर ले आए, और वहां पर श्री कृष्ण ही पुरोहित बन गए, वही प्रिस्ट बन गए। सबसे पहले गिरिराज जी का पूजन स्वयं भगवान ने ही किया, और पुजारी कौन बने, स्वयं भगवान ही बने। पूजा भी किसकी, गिरिराज जी की, और वो कौन है, स्वयं कृष्ण है। पुजारी कौन, वो भी कृष्ण है। सारे पकवान वहां रख दिए, श्री कृष्ण सबको कहने लगे हाथ जोड़ो, सबने हाथ जोड़े, प्रणाम करो, स्वयं भगवान प्रणाम कर रहे हैं गोवर्धन जी को, और उनको देखकर सभी ने प्रणाम किया, है ना। और सब ऐसे ऐसे मार रहे थे, ये कन्हैया बड़ा बोल रहा था, देवता दर्शन देगा दर्शन देगा, अभी तक तो कोई दर्शन ना दिया, इसकी बात पर विश्वास करके कहीं हमने गलती तो नहीं की। और कन्हैया के कान में बात आ गई, बोलते देखो सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, हे गोवर्धन महाराज हमको दर्शन दो। सबने हाथ जोड़कर कहा हे गोवर्धन महाराज हमको दर्शन दो। जब ऐसा बोला तो गोवर्धन जी से एक बहुत बड़ा एक रूप प्रकट हो गया, बहुत बड़ा। कौन सा रूप, स्वयं कृष्ण, क्योंकि गोवर्धन कौन है, स्वयं भगवान ही है। अब सब देखने लगे, ओहो इतना बड़ा देवता हमारे ब्रज में था, हमने कभी विचार भी नहीं किया, वाह कितना सुंदर, इतना बड़ा। सब तो जय जयकार कर रहे हैं, और जो कृष्ण के सखा है ना, वेरी नॉटी, जो कृष्ण के सखा वो कह रहे हैं कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ यहां पर कुछ नाटक चल रहा है, क्योंकि ये जो रूप निकला है ना देखने में तो कन्हैया जैसा है। अब कंपेयर कर रहे हैं, आंख से आंख मिला रहे हैं, नाक से नाक मिला रहे हैं,
वो तो बराबर के, बस वो बड़ा है ये छोटा, इतना ही अंतर है। और जब कृष्ण ने देखा ना मेरे सखा से, अरे पूजा के समय सामने देखते हैं, इधर उधर नहीं देखते, सब सामने देखो और देवता को दर्शन करो, उनको नेत्रों से निहारो। सब सामने देखने लगे, प्रार्थना करने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे गिरिराज महाराज, ये ब्रजवासी आपको पूजन करने के लिए बहुत सारे पकवान लाए हैं, आप इनको आरोग्य, इनको ग्रहण कीजिए। जैसे कृष्ण ने कहा, गिरिराज जी के तो पर्वत से इतने लंबे लंबे हाथ निकले लंबे लंबे हाथ निकलने लगे। देखो यहां पर भी ये हमारे भक्त लोग माताएं कितने सारे पकवान लाए ना, खुला खुला भोग, भोग लगाए, सब हाथ जोड़ो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब उनको खाने दो। इतने बड़े बड़े हाथ निकले और गिरिराज जी सब खा रहे हैं एक एक करके। इसको क्या बोला गया, अन्नकूट। सुना पहले, अन्नकूट बोलते हैं ना, अन्नकूट का मतलब क्या, कूट का मतलब होता है पर्वत और अन्न का मतलब सामग्रियों का पर्वत। जैसे मालपुए का पर्वत, मालपुआ हाँ और रसगुल्ले का पर्वत, गुलाब जामुन का पर्वत, रस मलाई का पर्वत, मुंह में पानी आ रहा क्या, जलेबी का पर्वत, इमरती का पर्वत, हलवे का पर्वत और चावल का, पूड़ी का, पकोड़े का, कचौड़ी का, ये सब बहुत सारी सामग्री है ना। और कोई नाम बता दो, अपने अपने बोल दो, लड्डू का पर्वत, बर्फी का पर्वत और अम्मा बोल रही है सांबर वड़े का पर्वत चमचम चमचम, ओ महाराज जी की जय हो, मलाई चमचम का पर्वत। और कोई, एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस, ढोकले का पर्वत, अच्छा खांडवी मांडवी सब, हाँ खीर का और हो गया लड्डू, क्या बोल रहे, खिचड़ी का पर्वत, नाना प्रकार की चटनियां खट्टी मीठी, ये सब अन्नकूट साधारण नहीं, इतने सारे व्यंजन। 56 भोग तो एक स्टार्टिंग है, एंडिंग नहीं है, 56 से स्टार्ट होता है इतने सारे पकवानों का, लूची पूड़ी, पनीर का, फलों का, बकलावा का नट्स का, ये सब। अच्छा चलो एनीवे, अच्छा सुनिए, ये अन्नकूट हो गया और गिरिराज जी एक एक हाथ लेकर सब खा गए और कहने लगे, आनो रे आनो रे आनो रे, आनो रे का मतलब होता है और ले आओ और ले आओ। कृष्ण कहने लगे, देखा हमारा देवता कैसा, दर्शन भी दिया, खाकर भी दिखलाए और भूख भी लग रही है, और लेकर आओ, जो घर में छिपा कर रखी आई हो ना वो भी लेकर आना। हाँ कुछ माता यहां पर हलवा ले आई, घर में भी रखकर आई है कि वहां तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा और घर जाके तो फिर खाएंगे अच्छे से। हाँ सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए और लेकर आ गए, सब रख दिया, गोवर्धन जी सब खा गए। बोलते आनो रे और ले आओ और ले आओ। सारे ब्रजवासी कन्या को देख रहे हैं,
भैया और कहां से आनो रे और कहां से लाए, संभालो अपने देवता को, सब चटक गया। कृष्ण का अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। एक तुलसी पत्र लिया, बोलते गिरिराज जी थोड़ा शांत हो जाओ, बहुत खा लिया। हाँ, इदम तांबूलम तांबूलम आचमन लेकर उनको शांत किया। सब बड़े प्रसन्न है, आज हमने पहली बार ऐसा हुआ, इतना परिश्रम करके सारी रात जगकर इतना कुछ बनाया, पूरी भटूरे ये सब, और गिरिराज जी हमारे सारे पकवानों को खा गए। कितना अच्छा लगता है ना। ये भी एक बड़ी बात है, ये माताएं सब ना घर में बहुत सारी चीजें बनाती है और ठूस ठूस के खिलाती है। नहीं, किस बात पर मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर हम खा रहे हैं तो मेरे को सुख लगेगा ना, लेकिन ये क्यों जबरदस्ती खिलाती है, इनको भी सुख मिलता है। किस चीज का सुख मिलता है? खिलाने का, समझ रहे हैं? इसी को कहा विषय जाति सुख और आश्रय जाति सुख। कृष्ण भोगता है, हर चीज को भोग लगाते हैं, लेकिन राधा जी कृष्ण को आनंद और सुख देती है। ये आनंद और सुख क्या है राधा जी में, कृष्ण भी सोचकर हैरान हो जाते हैं कि मैं जो भोग करता हूं कुछ भी, मेरे को तो सुख लगता है, लेकिन इनको खिलाने में क्या सुख मिल रहा है ना। खिलाने में भी एक सुख ना, मन करता है महाराज एक और खा लो, एक और खा लो। अरे आनंद मेरे को मिल रहा है, आपको क्या आनंद मिल रहा है? ये होता है खिलाने का आनंद, खिलाने का आनंद। सारे ब्रजवासियों का मन इतना प्रसन्न है ना, और कृष्ण सब कुछ भोग लगा लिए, सब आनंद में, सबका मन बड़ा प्रसन्न। लेकिन जो कृष्ण के सखा है ना, वो बड़े उदास होकर बैठ गए। कन्हैया ने कहा तुम उदास क्यों हो रहे हो? बोलते कन्हैया सच्ची बोले कि झूठ बोले? बोले झूठ का क्या काम, सच बोलो। तो सच बात तो ये है, तेरा देवता बेकार, पहले वाला देवता बहुत अच्छा था। बोलते वो क्यों? बोलते इतने सालों से देख रहे थे उस देवता को, भोग लगाते थे, सारा का सारा प्रसाद हमारे लिए बचा रहता था, और तेरा देवता ऐसा जो भोग लगाया सब खा गया, एक दाना हमारे लिए नहीं रखा है, इसलिए बेकार का है। कृष्ण कहने लगे तुम हमारे देवता को नहीं जानते, वो जितना खाते हैं ना उसका दो गुना ज्यादा प्रसाद भी देते हैं। वो तो कब देगा है ना। वहां पर जो एजेड, जो ओल्ड, जो बड़ी बूढ़ी थी ना, बोलते कन्हैया एक बात है, बाद में बताऊंगी जब प्रसाद आएगा। तो बोलते दादी तू पहले बता दे। बोलते ना पहले प्रसाद आएगा, प्रमाण हो जाएगा तो बोलूंगी। अच्छा चलो, हम गिरिराज से प्रार्थना करते हैं, गिरिराज जी ब्रजवासियों को प्रसाद तो दो। लेकिन प्रसाद नहीं आ रहा। सब कहने लगे कन्हैया कुछ गड़बड़ है, तेरा देवता प्रसाद नहीं दे रहा। बोलते तुम सबने आंखें खोल रखी है ना, उसको लज्जा लग रही है, शर्मा रहा है, सब अपने नेत्र बंद करोगे तो प्रसाद देगा, सब नेत्र बंद करो। नहीं आप लोग नहीं, सब लोग आंख बंद कर रहे हैं। सारे ब्रजवासी अपनी आंखों को बंद कर लिए, सारे सखा, और एक दो सखा ना ऐसे देख भी रहे थे। बोलते कुछ गड़बड़, देखते क्या क्या टेक्निक है, ये क्या जादू है। कृष्ण कह लगा एक की भी आंख खुली होगी ना तो गिरिराज जी प्रसाद नहीं देंगे। तुरंत आंख बंद कर दी, और जैसी आंख बंद हुई जितना था दो गुना हो गया, जितना जो अपने घर से लाया था वो दो गुना डबल हो गया। तब वो दादी बोली, हाँ बड़ी बूढ़ी बोली, कन्हैया पहले तूने न बताया ये चमत्कारी देवता है, जितना भोग लगाओ डबल हो जाता है। एक किलो हलवा लाई थी, अगली बार दो किलो लाऊंगी, क्योंकि दो का बनेगा चार किलो, लालच हो गया। बोलते दादी दो क्या, तुम पांच किलो लाई हो, दस किलो बन जाएगा। सबने देखा आहा क्या चमत्कार है,
जो जितना लाए थे उसका दो गुना बढ़ गया। तो चलो कन्हैया प्रसाद पाए। कन्हैया ने कहा प्रसाद ऐसे नहीं, अभी तो पूजा पूरी हुई नहीं, बोलते अब क्या बचा, बोलते परिक्रमा बची, गोवर्धन की परिक्रमा। बोलते हैं इतने बड़ा पर्वत कितना चलना पड़ेगा, बोलते ज्यादा नहीं 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर। गोवर्धन परिक्रमा में जाओ ना, कौन कौन गया जरा बताना। ओ अच्छा तुम लोग गए, वेरी गुड। जो पहली बार जाता है ना तो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, जब 12 किलोमीटर हो जाता है ना, हमारे साथ भी कुछ लोग जाते थे, आज से 20 साल पुरानी बात, पहली बार बड़ा मन में हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे परिक्रमा करेंगे। 12 किलोमीटर के बाद लगभग जब ये पूछने लगते हैं ना कितनी और रह गई, जहां पर ये प्रश्न आता है ना कितनी और रह गई, मतलब एनर्जी लेवल कम हो रहा है, बस थोड़ी सी, हम भी कम नहीं थे, थोड़ा सा और है बस। अच्छा अच्छा चलो चलो चलते, हरे कृष्णा चलते चलते। हाँ 2 किलोमीटर और गए, अभी समाप्त नहीं हुई, अभी और है। अब अगर उसको बोल दिया ना 10 किलोमीटर और है, वो वहीं पर ही बैठ जाएगा, अब नहीं चलूंगा। तो मेरे साथ वो मेरे गुरु भाई माधव प्रिय प्रभु चलते थे, तो वो पता क्या बोलते थे, वो तो देखो वो जो दूर बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ना, बस उसके पास समापन है। ओ फिर वो देखता है दूर से, अच्छा वो तो ये रहा बस, एंडिंग नाउ। और उसी समय उसको बातों में लगा दिया, कथा सुनाने लगे, भगवान ये किए ऐसे किया वो किया, और बड़ा वाला पेड़ कब का पीछे निकल गया। आगे जब पहुंच गया ना तो उसको कथा में तो एब्जॉर्प्शन है, जहां कथा समाप्त हुई वो पेड़ तो पीछे चला गया ना, बोलते वो जो पानी का टैंक दिख रहा है ना, बस 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 वहीं पर एंडिंग है। ऐसे करते करते घसीटते घसीटते और 4 किलोमीटर ले गए, अब रह गया लास्ट 5 किलोमीटर। ओहो उस समय तो चला नहीं, उस समय तो पैर डांस करते हैं, फिर पैर ही ऐसे हो जाते हैं चलते चलते, फिर चला नहीं डांस किया जाता है। तो कभी भी परिक्रमा में जब देखते हैं ना कोई लास्ट के 3-4 किलोमीटर डांसिंग पोस्चर में आ जाता है तो समझ आ जाता है ये पहली बार आया है। वो पहली बार आया है, देखने से पता लग जाता है, लेकिन जो करते रहते हैं ना उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहली बार तो थोड़ा सा ऐसा होता है। तो इसलिए सब कहने लगे 24 किलोमीटर चलना पड़ेगा 24 किलोमीटर। कृष्ण ने कहा हाँ, सखाओं ने कहा चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलते फिर दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है, परेशानी ये है कन्हैया हम परिक्रमा करें और पीछे से बंदर सारा प्रसाद खा जाएंगे तो हमको प्रसाद नहीं मिलेगा। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, बंदर भी साथ चलेंगे, तोता भी चलेंगे, सारे पशु पक्षी चलेंगे, सब गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे, बोलते तब तो ठीक है। ऐसे ही कृष्ण बड़े सुंदर ढंग से गोवर्धन जी की परिक्रमा का उन्होंने एक सेक्शंस बनाया। इसको सुनो कैसे हमारे आचार्यों ने इसका वर्णन किया। सबसे आगे एक ग्रुप, कौन, ब्राह्मण जो वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, उन देखो ध्यान से समझना नहीं तो बाद वाली बात समझ नहीं आएगी। सबसे पहले कौन, हाँ ब्राह्मण के पीछे गैया, बोलते हैं ना नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सबसे आगे ब्राह्मण, उसके पीछे गैया, गैया के पीछे बछड़े, ठीक है पूरा एक ग्रुप, पूरी गाय फिर पूरा ग्रुप बछड़ों का, उसके पीछे श्री नंद महाराज और उनके जितने गोप हैं मित्र हैं बड़े बूढ़े जो हैं वे सब, उनके पीछे कृष्ण और उनके जितने फ्रेंड्स उनके जो सखा हैं, उनके पीछे यशोदा मैया और उनकी सारी सखियां, उनके पीछे राधा जी ललिता विशाखा और सब सखियां, उनके पीछे जो सेवा करने वाले,
ऐसे सब अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने एज ग्रुप में और सीनियोरिटी के कारण अपने अपने सेक्शंस में गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। कृष्ण पहले से बोल दिए थे कि गोवर्धन की परिक्रमा में कोई मौन धारण मत करना, सब जय जयकार करना, चुप होकर कभी परिक्रमा नहीं होती और ब्ला 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 करके भी परिक्रमा नहीं होती। परिक्रमा करनी भगवान का नाम लेकर करो। और ब्रज की तो रीति यही है, ब्रजवासी अभी भी कितने ऐसे हैं रोज गोवर्धन की परिक्रमा, उनको तो एक बहाना चाहिए परिक्रमा करने। आज बेटे का जन्मदिन है, चलो परिक्रमा निकलते हैं। घर में विवाह है तो पहले गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, मुंडन संस्कार है गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, आज बच्चे का रिजल्ट आएगा गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, कोई बहाना चाहिए बस परिक्रमा करनी है और कुछ नहीं। तो पति पत्नी की लड़ाई होती है ना, अब घर में कैसे लड़े, छोटा सा घर, माता पिता भी सुनेंगे अच्छा नहीं, तो बोलते माता वो हम परिक्रमा देने जा रहे हैं, दोनों निकल जाते हैं परिक्रमा में और सारे रास्ते तुमने ये कहा ची 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 पूरा परिक्रमा, आराम से परिक्रमा हो जाती पता भी नहीं लगता। क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो लड़ाई में चल रहा है, लड़ना भी होता है तो परिक्रमा। हर बात पे परिक्रमा। और ऐसे कितने संत हैं जो भक्ति के लिए परिक्रमा करते हैं, कितने ऐसे जो क्या करते हैं, कितने ऐसे जो कि अपना काम बनाने के लिए परिक्रमा करते हैं। हमारे संतान नहीं हो रही, परिक्रमा करो संतान हो जाती है। कन्या का विवाह नहीं हो रहा, परिक्रमा करो विवाह हो जाएगा, है ना। सब कोई अपनी अपनी इच्छा लेकर आता है, उसकी सारी इच्छा गोवर्धन जी पूरी कर देते हैं और उसी में भक्त लोग भी परिक्रमा देने जाते हैं और भगवान भी उनकी समस्त भक्ति वाली जो कामना वो भी पूरी करते हैं। और भक्ति की कामना में सबसे बड़ी कामना क्या है, हे भगवान, हे गिरिराज, हमको अपने भक्तों का संग दे दो, जिनके निकट बैठकर मैं आपकी महिमा सुनूं, आपकी ग्लोरिफिकेशन सुनूं, आपकी कथा सुनता रहूं। ऐसे भी बहुत सारे संत परिक्रमा देते हैं, लेकिन जब आप परिक्रमा, ये लोग जो जाते रहते हैं इनको पता है, वहां पर ना बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, एक रुपया दे दो पीछे चलेगा 3-4 किलोमीटर तक, बात भी नहीं करने देगा। तो क्या करते हैं, जेब से निकालकर 1 रुपया ले और मेरी जान छोड़, है ना। ऐसे ही जो लोग कोई मन की कामना लेकर गोवर्धन जी की परिक्रमा देते हैं ना, तो गोवर्धन जी भी बोलते हैं जा ये ले जा और मेरी जान छोड़, है ना। और हम समझते हैं ओह गोवर्धन जी बड़े प्रसन्न हो गए, मेरी इच्छा पूरी कर दी। इच्छा पूरी क्या कर दी, अपनी जान छोड़वाई। लेकिन जो भक्त भक्ति के लिए गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं ना, वो भगवान की जान को ले आते हैं, उनके प्राणों को अपने हृदय में बसा कर ले आते हैं। कहने का अर्थ ये है, तो गोवर्धन जी भी अपनी जान नहीं छोड़ाते, वहां पर उसके साथ साथ रहते हैं, उसके साथ साथ रहते हैं। और ऐसा एक अब्सॉर्प्शन, एक आवेश हो जाता है, मन करता है बार बार गिरिराज जी की परिक्रमा देते रहें, उनका पूजन करते रहें, उनको भोग लगाते रहे। बाकी अकाम हो सर्व काम होगा, मोक्ष काम उदार ही, भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, जो निष्काम भावना से आए या सकाम भावना से आए और मोक्ष की इच्छा से आए, सब प्रकार से सब कामना पूरी करते हैं, है ना। अब क्या कहूं, समय निकल गया, टू बी कंटिन्यूड टुमारो। इसके आगे भी बहुत कुछ है, अभी तो 30% हुआ, कल एकादशी का व्रत है, इसलिए हम सब लोग एकादशी का व्रत करके आएंगे। आप सबके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क क्या है, स्कूल में होता है ना होमवर्क, कल ऐसे पूरे करके आना। होमवर्क ये है कि कल सब एकादशी का व्रत करके आएंगे, डोंट टेक ग्रेन्स टुमारो,
कोई अनाज, चावल, रोटी ये सब नहीं खाना। भूख लगेगी तीन चार बार भी खा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, शाम को तो यहां मिलेगा ही, एकादशी का ही मिलेगा कल प्रसाद। लेकिन जो फलाहार है, जो कि बहुत सारी वेराइटीज है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट, मैंने कल परसों 20 आइटम्स गिनवा दी थी। इसलिए सब लोग फलाहार करना इस पुरुषोत्तम महीने में, तीन साल में जो एक बार आता है ये महीना, तीन साल में एक बार आता है, उसमें कल एकादशी आ रही है और उसमें भागवत है, समझ रहे हैं? सोने पे सुहागा, सुहागा के ऊपर हीरा बोलते हैं ना, एक तो पुरुषोत्तम महीना, उसमें फिर एकादशी, और फिर एकादशी में भी भागवत जी का क्या सप्तम दिवस, लास्ट दिन। इसलिए कल सब लोग व्रत करके आएंगे, मैं कुछ एकादशी की कथा भी सुनाऊंगा, और गोवर्धन जी की कथा भी पूरी नहीं हुई, वो भी आज इसलिए सुना दी क्योंकि वो जो भोग लगना था ना मालपुए रसगुल्ले का, वो पाठ हो चुका है। अब कल तो एकादशी का व्रत, मुंह में पानी भी आ गया तो व्रत टूट जाएगा, कल नहीं बताऊंगा ये सब, कल तो और कथा को सुनेंगे, ठीक है? कल हमारी कथा का लास्ट दिन होगा, 7 दिन से हम लोग यहाँ भागवत कथा सुन रहे थे, और परसों संडे मॉर्निंग 9 बजे यहाँ पर महायज्ञ किया जाएगा, यज्ञ भी नहीं महायज्ञ, पुरुषोत्तम महीने के जो अब अंत की ओर चल रहा है, 15 तारीख तक ये महीना समाप्त हो जाएगा, 16 को, तो उसके पहले संडे, तो फिर कल परसों ही संडे आएगा 13th को, हम लोग यहाँ पर यज्ञ करेंगे एग्जैक्टली 9:00। अगर आप लेट आ गए तो यू गोइंग टू मिस इट, तो वो मिस हो जाएगा। जबकि मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू कैन कम 8:30, 8:45, दैट्स मच बेटर, बिकॉज आई एम गोइंग टू लिट फायर और स्टार्ट 9:00, 9 बजे पूरा स्टार्ट कर दूंगा, और उसके बाद थोड़ी सी कथा भी करेंगे, और फिर प्रसाद लेकर बस फिर मैं यहाँ से फ्लाइट लेकर सिडनी चला जाऊंगा, वहां शाम को एक प्रोग्राम है, और नेक्स्ट डे मंडे को फ्लाइट, हवाई में भागवत है फिर वहां भागवत स्टार्ट हो जाएगी, सूर्य उदय होते हैं, सूर्यांत होते हैं ना, तो यहाँ भागवत समाप्त, वहां पर भागवत स्टार्ट, इस प्रकार से चलता रहेगा। और फिर अगली बार आऊंगा तो अभी बहुत सारी कथा बाकी बची है, वो कथाएं भी हम लोग फिर धीरे धीरे सुनेंगे। आप सबसे हाथ जोड़ बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब लोग एकादशी का व्रत करो और हर रोज भगवान का नाम करो 15 मिनट 20 मिनट। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र, सारे शास्त्रों का सार, सारे आयोजनों का सार, सब कुछ यही है, आप उस महामंत्र का जाप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज प्रसाद की जय। सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आदरणीय महाराज जी, पधारे हुए सब भक्तों, आप सभी को ब्रिस्बेन भक्ति योग और श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन की ओर से आप सबको एक बार फिर इस भागवत महापुराण के निमित्त हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद सबसे पहले महाराज जी को देना चाहूंगा, जिन्होंने इस 6 दिवस में हमें चुन चुन के भागवत महापुराण से भगवान के लीलाएं और कथा के रसपान कराते चले आए हैं महाराज जी, और मैं अपना कीर्तन मंडली के भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, और आज के जो महाप्रसाद बनाने वाले हैं बाबू महन बाबू जी, आपको भी हार्दिक धन्यवाद, और जिन्होंने आज से प्रदान किया आप सबको हार्दिक धन्यवाद। आज के फूड स्पॉन्सर्स हैं हमारे प्रधान पंडित आनंद जी के माता जी मिसिस दयावती शर्मा, आपको हार्दिक धन्यवाद, और जो डोनेशंस आया है वो इस प्रकार के हैं,
एक एनोनिमस डोनेशन है $100, अतीश एंड कृष्णा कुमार $1,000, अभी अब वो कुल मिलाकर 14,500 दिए हैं अभी तक। राकेश एंड शोभना लाल हमारे EMC मेंबर है $1,111, इनका टोटल $7,777 हो चुका है। और डॉक्टर नंदन श्रीवास्तव जो अपने माता जी के साथ यहाँ पर पधारे हुए हैं, अपने पिता श्री के निमित्त ओम शंकर श्रीवास्तव के निमित्त $1,000 दिए हैं। इन सब दानदाताओं को हार्दिक धन्यवाद। अच्छा, वो कल मेरे को कोई मैसेज करा था, वो थे वो लास्ट में अनाउंस करते हैं डोनेशन, आपको तो बहुत डोनेशन मिल गया। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं मिल रहा है मंदिर के लिए। डोंट गेट कंफ्यूज। महाराज जी, तो मैं कई भक्तों का यहाँ पर सनातन सेंटर पर शायद पहली बार आगमन हुआ है इस भागवत के निमित्त, या बहुत दिनों के बाद आए, तो मैं संक्षिप्त में जो हमारा यहाँ पर एक्टिविटीज हो रहा है उसका मैं संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा और प्रोजेक्ट पर आधारित भी जानकारी देना चाहूंगा। तो इस भूमि को हम लोगों ने 2017 में खरीदे $1 मिलियन में, और जो उसका जो फाइनेंस 400,000 हमारे